अगर दोस्तों आप नए हो चैनल पे, नए व्यूअर्स हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। किसको पता हमारे सब्सक्राइबर्स में से विनर आप ही हो और आपको ही इंटरनेशनल ट्रिप गिफ्ट में मिल जाए, हो सकता है। तो फटाफट सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। सोसाइटीज़ वगैरह, ये देखो एक छोटा सा पहाड़ जैसा है यहाँ पे, इसको काट के वहाँ पे भी सोसाइटी बनने वाली है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ के घर कितने प्यारे हैं। ये देखो ये पूरी सोसाइटी है। और यहाँ पे कैसा है कि जैसे कि ये पेडेस्ट्रियन है, नॉर्मल लोग इसी पे चलने वाले हैं, इस पे चलना है। और अगर हम लोग ये फोर क्रॉस, जैसे ये फोर क्रॉस रोड है यहाँ पे, जैसे ये चार रास्ता है, अगर मुझे यहाँ से क्रॉस करना, मैं यहाँ से चलना शुरू कर दूंगा तो जितनी भी गाड़ियाँ आएगी वो स्टॉप हो जाएगी आजू बाजू में, जब तक मैं रोड यहाँ से लेके वहाँ तक क्रॉस करके चला नहीं जाता तब तक। तो कनाडा में पेडेस्ट्रियन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब पेडेस्ट्रियन को यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। दोस्तों सोसाइटीज़ देखो, ये इतना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे, देखो खाली आप। और अभी क्या बज रहे हैं, 7:30, ये 7:30 बजे का सीन है यहाँ पे। देखो 7:30 बजे यहाँ पे इतना सारा उजाला होता है दोस्तों। देखो देखो मैं रोड पे था सो ये गाड़ी ने स्लो कर दिया। अभी ये देखो यहाँ पे ग्रीनरी बहुत सारी है, मतलब आप जहाँ पे भी जाओगे आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी। आप ये देखो, ये पूरा जंगल जैसा, इसके पीछे जंगल जैसा एरिया है, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रीनरी अगर बोले तो यहाँ पे है। हमारे इंडिया से 3 गुना बड़ा है ये कनाडा, और पॉपुलेशन है सिर्फ 4 करोड़, ओनली 4 करोड़ है पॉपुलेशन दोस्तों। ये देखो यहाँ पे पेडेस्ट्रियन आ रहा है, तो ये भाई ने गाड़ी स्लो कर दी, अभी वो क्रॉस कर लिया उसके बाद गाड़ी निकाली। और दोस्तों यहाँ पे कनाडा में आप देखना, ये सब घर है, सबकी छत देखना आप लोग। यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल है कि आप घर अंदर से कैसा भी बनाओ, बाहर से सबका एक सोसाइटी में सबका घर सिमिलर ही दिखना चाहिए। तो आप लोग देख लो, यहाँ पे भी देख लो, और यहाँ पे दूसरी सोसाइटी है, ये देख लो, यहाँ पर भी देख लो, ये सब सोसाइटी है देखो यहाँ पर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि अगर आप घर बनाते हो तो पूरी सोसाइटी में सिमिलर दिखना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे ये है वर्ल्ड का फास्टेस्ट ट्रक F-150, ये यहाँ पे बहुत, मतलब बहुत ही दिखते हैं F-150। दोस्तों आपको यहाँ पे साइड पे दिख रहा होगा कि ये गार्बेज बैग्स, सबके गार्बेज बिन यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक डे होता है, मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे, वो स्पेसिफिक डे पे यहाँ पे कचरे लेने के लिए गाड़ी आएगी, और वो भी टोटली मशीनरी, बंदा बटन प्रेस करेगा और ये गार्बेज गाड़ी में खाली हो जाएगा। ये देखो रूबीकॉन, यहाँ पे रूबीकॉन बहुत है दोस्तों। देखो अभी ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा था, उतने में ही 2 निकल गई। ये देखो ये थोड़ा जंगल जैसा एरिया है यहाँ से, लेकिन आप व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है यहाँ पे। कनाडा की गवर्नमेंट ग्रीनरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है दोस्तों। यहाँ पे ग्रीनरी एंड जानवर, मतलब प्राणियों, एनिमल्स का बहुत ध्यान रखा जाता है, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लॉ है। तो दोस्तों जंगल जैसा एरिया कितना प्यारा लग रहा है। और ये है यहाँ के शाम का नज़ारा, देखो यहाँ का इवनिंग का नज़ारा बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। और साथ में बाजू में ये जंगल जैसा एरिया, यहाँ पे बहुत सारे जंगल्स है दोस्तों। सो इसलिए आज मैंने सोचा कि आपको यहाँ का मैं सिटी का अंदर का व्यू दिखा दूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें दिखा दूँ कि यहाँ पे किस तरह की कैसी चीज़ें हैं। यहाँ पे यहाँ की स्कूल बस इस टाइप की होती है, देखो ये स्कूल बस। स्कूल बस को लेकर भी बहुत सारे नियम है, वो हम किसी और वीडियो में आपको दिखाएंगे दोस्तों। और ये देखो घास को पानी पिला रहे हैं यहाँ पे।
ये जो यहाँ पे ये जा रही है वो दोस्तों यहाँ के ट्रांसपोर्ट सर्विस की बस है। ये देखो दोस्तों, ये पता नहीं कौन सा पौधा है, अगर आप में से कोई जानता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये कौन सा पौधा है। और पीछे ही ट्रीज देख रहे हैं। यहाँ पे एक और रूल है दोस्तों, जैसे कि ये घास दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ये सब घास दिख रहा है। यहाँ का ये रूल है कि अगर गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो उसका केयर गवर्नमेंट करेगी। अगर आपके घर के मतलब आपके घर के आजू बाजू में ग्रास है तो वो कुछ सेंटीमीटर से कुछ इंच से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जैसा गवर्नमेंट का ऐसा यहाँ पे रूल है। अगर उससे ऊपर रहेगा तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। सो आप जहाँ पे भी देखोगे आपको ग्रास एक सा ही देखने मिलेगा। देखो कहीं पे अपने इंडिया जैसा नहीं है कि कई जगह बड़े घास है, यहाँ छोटे घास है। हम लोग तो वहाँ पे अपने खुद के घर का घास का भी ध्यान नहीं रखते दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, तो अगर ऐसा ही रूल हमारे इंडिया में भी आ जाए तो कैसा रहेगा। ये देखो कितना व्यू, कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है दोस्तों। यहाँ से मैं जा रहा था तो दोस्तों देखो आगे यहाँ पे ये देखा मैंने, ये घर के ऊपर टोटल सोलर पैनल करके उसने कर दिया है, तो उसको लाइट बिल का तो कोई टेंशन ही नहीं रहा होगा। ये देखो यहाँ पे दोस्तों, हमारे इंडिया से ये चीज मैंने नोटिस की, यहाँ पे हमारे इंडिया से सोलर पैनल बहुत कम है। जितना यूज हम इंडियंस कर रहे हैं, जितना बेनिफिट हम लोग ले रहे हैं, उतना बेनिफिट ये लोग नहीं ले रहे हैं। ये देखो दोस्तों इस तरफ का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। ये देखो देखो अभी मैं जस्ट ग्रास की बात कर रहा था, देखो यहाँ पर भी ये ग्रास देखो, मतलब दोस्तों यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। जैसे दोस्तों आपको ये जमीन दिख रही है, यहाँ पे घास नहीं है देखो, लेकिन ये बंदा थोड़े दिन में यहाँ पे घास उगा लेगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल है कि आपके घर के आसपास कुछ परसेंट तो ग्रास चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों ये सामने का व्यू भी कितना प्यारा सा लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप लोग कहीं पे भी जाओगे देखोगे यहाँ पे आजू बाजू में कोई भी घर नहीं है। वहाँ पे वो जो घर दिख रहा है वहाँ पे फेंसिंग है, रास्ता ये साइड से नहीं होगा उसी साइड से होगा। यहाँ पर भी आप देख लो, यहाँ पर भी कोई घर नहीं है, लेकिन यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है। अगर आप यहाँ से चलते चलते जा रहे हो, अगर यहाँ फिर वहाँ से आप आ रहे हो, अगर आपके पास कचरा है तो ये देखो यहाँ पे ये चीज भी है बराबर। तो और ये बाजू में ये बस स्टैंड है, तो आपके पास अगर कचरा है तो वो कचरे को आपको डालना है इस डस्टबिन के अंदर, ताकि यहाँ पे कचरा ना फैले और जगह पे। तो यहाँ पे ये क्लीननेस का गवर्नमेंट बहुत ध्यान रख रही है, लेकिन फिर भी हमारे जैसे कई इंडियंस या फिर कई अलग कंट्री के लोग यहाँ पे कचरा कर देते हैं। तो अगर दोस्तों हो सके तब तक आप कचरा मत फैलाओ। हमारे इंडिया को भी अभी जितना क्लीन हो रहा है ऐसा क्लीन रखो और ऐसा क्लीन बनाओ। और दोस्तों हमारे जो सब्सक्राइबर्स है उनमें से कुछ सब्सक्राइबर्स को हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप गिफ्ट करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए भी एक टारगेट है कि हम लोग कुछ सब्सक्राइबर्स लाइक 10 लाख या 1 लाख, 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करते ही हम पहला विनर अनाउंसमेंट कर देंगे। और जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हम लोग अनाउंसमेंट करते जाएंगे कि आज ये विनर है, ये विनर है। अगर उसको ट्रिप नहीं करनी है तो उसको हम लोग कैश भी दे सकते हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब करिए दोस्तों हमारे चैनल को, और
शेयर करिए ताकि जल्द से जल्द हम अपना विनर घोषित कर सके। और अभी यहाँ पे हम लोग, यहाँ से हमें जाना है उस साइड में सामने की ओर, तो यहाँ से ये प्रेस करो, प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो लाल सिग्नल दिख रहा है वो हो जाएगा वाइट। अभी देखो दोस्तों वो सिग्नल हो गया है वाइट, तो ये वाइट हो गया है तो उसका मतलब कि हम लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं।